Welcome to Hero Honda's Saregamapa Singing Superstar. देश और दुनिया के कई शहरों में हुए सिंगिंग सुपरस्टार के ऑडिशंस, लाखों सिंगर्स अपना हुनर लिए हमारे मेंटर्स के सामने आए। किसी की आवाज में जादू था तो बहुतों का म्यूजिक के अलग अलग स्टाइल्स पर काबू था। किसी की प्रतिभा उसकी उम्र से कई गुना बड़ी लगी तो कोई संगीत के अनसुने तार भी छेड़ गया। दुनिया भर से चुने गए 51 राइजिंग स्टार्स मुंबई पहुंच चुके हैं। फाइनली मैं आ गई मुंबई। देश भर से चुने गए 51 राइजिंग स्टार्स मुंबई पहुंचते ही उनके साथ सितारों वाला ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मुंबई के 5-स्टार होटल हॉलिडे इन में उनके रहने का इंतजाम हुआ और खाने पीने से लेकर रियाज रिहर्सल तक सारा प्रोग्राम यही हॉलिडे इन में हुआ है। स्टार्स है भाई, करना पड़ता है। 1, 2, 3, 4 अभी वो उसके चक्कर में तुमने एक सुर भी नहीं लगाया। तारा राना ने सी मेरा प्यार भूल जाएंगी। कई बच्चे क्या हैं, बिल्कुल शास्त्रीय संगीत गाने वाले, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से फिल्मी गाने में उनको ढालें। बिल्कुल वेस्टर्न गाने वाले उनको क्लासिकल में ढालें ताकि वो वर्सेटाइल बने और एक ही जॉनर में फंस के ना रह जाए। आज हमारा मेगा चैलेंज है, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सारेगामा पा के मंच ने हिंदुस्तान को कई बेहतरीन सिंगर्स दिए। दुनिया हमेशा से आश्चर्य में रही है कि आखिर इसी मंच से ऐसे सिंगर्स क्यों आते हैं। आज उसी राज से हम पर्दा हटा के आपको हमारे एक्सपर्ट पैनल से मिलाने वाले हैं। तमन सू, ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वीर जारा, कभी खुशी कभी गम जैसी सैकड़ों फिल्मों के साउंड इंजीनियर रह चुके हैं। मैं सब पार्टिसिपेंट की टोनल क्वालिटी, वॉइस टेक्सचर और उनकी वॉइस की रेंज की जांच करने वाला हूं। महबूब साहब, रोजा, बॉम्बे, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों के गीत लिखने वाले गीतकार हैं ये। मैं जांचूंगा तलफ्फुज़ को, गीत के एक एक बोल के साथ न्याय, यही मेरी कसौटी होगी। नितिन शंकर, हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े रिदमिस्ट, मेरे कान सुनेंगे इन सिंगर्स की लयकारी। योगेश प्रधान, हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक अरेंजर्स में से एक हैं। मैं जज करूंगा सिंगर्स का म्यूजिक ट्रैक के साथ ताल में। रंजीता हेमवानी, इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को कई नामचीन सितारे दिए हैं। नई प्रतिभा को सामने लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज ये देखना चाहती हूँ कि आज आपके सामने खड़े हुए सिंगर क्या ये अपने सामने खड़े हुए लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। मानो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री जमा है इन सभी 51 राइजिंग स्टार्स को जज करने के लिए। सभी 51 राइजिंग स्टार्स बैचेस में आते जाएंगे और हर एक बैच को सुनने के तुरंत बाद हमारे मेंटर्स और हमारी एक्सपर्ट पैनल मिलकर ये फैसला करेगी कि उस बैच में से कौन टॉप 18 में शामिल होगा। मेंटर्स और एक्सपर्ट पैनल सभी अपनी जगह ले चुके हैं। मेरे पीछे बैठे हैं देश के 51 राइजिंग स्टार्स, देश के बेहतरीन 51 सिंगर्स, और ये जगह है देश के 18 सिंगिंग स्टार्स की, और उन 51 सिंगर्स में से ही किन्हीं 18 को यहाँ जगह मिलेगी। जिंदगी भले टॉप 18 की बदलेगी लेकिन हर शाम सुरों से रोशन होगी आपकी दुनिया। तो आर यू रेडी टू रॉक? और मेगा ऑडिशन के पहले बैच की पहली कंटेस्टेंट हैं भुवनेश्वर की स्निति मिश्रा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दूं। वो 2.5 मिनट जब डिसाइड करेगा कि मेरा परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। नमस्ते, हाउ आर यू फीलिंग? बेटर। फीलिंग गुड? यस। ओके, प्रिपेयर्ड? यस। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नीति जी, जी सर, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी नाइस परफॉर्मेंस, आई रियली लाइक्ड इट, थैंक यू। आज मैं आपको जब सुन रहा था, मैं बड़ा ध्यान लगा रहा था इस गाने के अंदर, इसको परवीन सुल्ताना जी ने गाया था। आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब एंड आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हाजिर हो। नैनों की चाल है, मखमली हाल है, नीची पलकों से बदली समा। विशाख जी, हाँ जी, कैसा गाया आपने, आपको कैसा लग रहा है? बस मैंने कोशिश किया। ऐसी क्या कोशिश कर दी, इतना पेट भुला भुला के बता रहे? आपको आपको ऐसा लगा कि सुर कम लगे या आउट ऑफ टेम्पो जा रहे थे, ऐसा लगा आपको? नहीं सर। हाँ, नहीं लगा आपको? आप जा सकते हैं, आगे बात करते हैं इस बारे। नेक्स्ट प्लीज। आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल है, जहाँ तक कि रिजल्ट का सवाल है तो हम बाद में बताने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। शब्बीर, यस सर, आपके सुर भी चले गए सांस की वजह से, उसको आप पुश कर रहे थे, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि यू नो आपने ये गाना क्यों लिया पहले। इट डिडंट फील लाइक अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। मेगा ऑडिशंस में सिलेक्शन का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है, बात सुरों की हो या फील की, किसी भी चीज में कोई भी कमी
मेंटर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पहला बैच परफॉर्म कर चुका है। मेंटर्स एक्सपर्ट पैनल के साथ मिलकर ये तय कर रहे हैं कि इस बैच में कौन सिंगिंग स्टार बनने की कसौटी पर खरा उतर पाया है। रानी जी, आपका जो हमारे सारे गांव पास सिंगिंग सुपरस्टार जो 18 है उसमें आप आज शामिल नहीं हो रही हैं। हम सबकी राय यह है कि आप फाइनल 18 में नहीं होंगे। बड़ा फेल्ट संतोष, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। गलती हो गया यार, कई चीज़। क्या हुआ था? मुझे भी लग रहा था मैं गलत हुआ कहीं। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 54 में आना भी बहुत बड़ी बात है सारे गामा में। आज मेरा दिन नहीं था, नेक्स्ट टाइम फिर दिन आएगा, एक दिन मेरा श्योर में करके दिखाऊंगी। यहाँ तक आने पर वापस जाने का बहुत दुख होता है और पता नहीं। हेलो स्निति, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मुबारक हो स्निति, वेलकम टू सारेगामा पास टॉप 18, कांग्रेचुलेशंस। आर यू हैप्पी? जिसने मुझे इस काबिल समझा इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अनएक्सपेक्टेड था। आज आप हमारे पहले सिंगिंग स्टार हो। विशाख जी। हाँ जी। आप सारेगामा पर सिंगिंग सुपरस्टार्स टॉप 18 में हो। नीति को कंपनी मिल गई, दो हो गए, बचे और 16 कंटेस्टेंट्स जो इन कुर्सियों को भरेंगे। पहला बैच परफॉर्म कर चुका है और अब टॉप 18 में शामिल होने की उम्मीद लिए आ रहा है अगला बैच। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है। जब ये दिल रोता है, रोए शीशक के हवाएं। जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे सुना। अपूर्व, पहली बात तो बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा गाना गाया। थैंक यू। आपने जो फील से गाया, जो रूह है आपकी इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी तरह से गाया, तो वी आर थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। परफॉर्मेंस पे ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन सुरों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्यारे 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 तारे बिना लगे नहीं मारा दियारे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। आप बहुत खुशनसीब हो कि यहाँ तक पहुंचे हो। हम लोग जिस तरह, मैं अपनी बात करूँ जो मैं बना हूँ, हमारे पास तो कोई था ही नहीं।
कितने चक्कर स्टूडियो के लगाने, 10 लोगों को सुनाना, 10 लोगों से बेइज्जती करा के वापस आ जाना, तो आप लोगों को तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं। आज से थोड़ी शर्म करो, रियाज करो बस, समझे? दो जहान वाली लोकी कहन तेनू निरंकार ना आखां ते की आखां मोती खाना ए टुट भुंडार तेरा मुट्ठी भंग बदले देवें बादशाहियां मुट्ठी भंग बदले देवें बादशाहियां तेरे बोल विच वेद कुरान बदे तेरे बोल विच वेद कुरान बदे जेकर पीर ना आखां ते की आखां ऐवें नी दुनिया पूजदी बाबा तेरी तस्वीर नू ऐवें नी दुनिया पूजदी बाबा तेरी तस्वीर नू ऐवें नी दुनिया पूजदी बटे चन जय मुख ते छा सपने सी कीती आन के राय बुलार ने तकिया नूरी पैगंबर जान के राय बुलार ने तकिया नूरी पैगंबर जान के वादा ही वादा हो गया वादा ही वादा हो गया घाटा ना पिया अखीर नू ऐवें नी दुनिया पूजदी नानक तेरी तस्वीर नू ऐवें नी दुनिया पूजदी क्या बात है आपने इस स्टेज को इस जगह को ये जो सारी अरेंजमेंट्स हैं हम सो जब लोग हम सारे जो लोग इकट्ठा हुए हैं इस सब को मतलब मिला इस परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा किया आपने वैसे भी गुरु नानक का नाम ले लिया आपने बस यही वजह ये शुरुआत प्रारंभ हो गया जी सर नानक से दुआ है तेरा नूर हर जगह पहुंचा है अरे वाह वाह बहुत अच्छा गाया बेटा दिल पिघल गया एक्चुअली रब याद आ गया अरे सर वाकई तेरी तस्वीर दुनिया और अब बारी है इस बैच के रिजल्ट की अपूर्व मुझे लगता है कि एज अ सिंगर आपको काम करना बहुत जरूरी है आपका एक ऑपरेशन कुछ बाकी है तो उस ऑपरेशन में हमारा हाथ अगर हो सके कि हम ये करवा सकें आपके लिए तो हमारी खुशनसीबी होगी और एक साल तक अगर आप म्यूजिक ट्रेनिंग लेना चाहें तो किसी अच्छे गुरु के साथ वो भी आई वी लाइक टू प्रोवाइड दैट टू यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच इतने हजार लोगों इतने लाखों लोगों के बीच में आप यहां तक आए अपनी छाप बनाई I'm proud of you, brother. Thank God you, bless sir. you. Thank you. Trisha ji, आपको हम पांचों को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेहनत करेंगे और अगले साल फिर से आप यहाँ आएंगे. We wish you all the best. आशीष, आप हमारे टॉप 18 में नहीं है हेलो नाजिम शायद आज तेरा दिन नहीं था दोस्त तो
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਰਾ ਸੁਰ ਚ ਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਇਹਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਰੋ ਰੋ ਮੈਂ ਵਾਟ ਨਿਹਾਰਾ, ਚੱਲ ਲੈ ਲੈ। ਤੱਤੀ ਰੋ ਰੋ ਮੈਂ ਵਾਟ ਨਿਹਾਰਾ, ਸਾਂਵਲ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ, ਜਲਦੀ ਗਾ। ਸਾਂਵਲ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਇਸਕੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਨੈਕਸਟ ਇਅਰ ਸਰ ਫਿਰ ਆਏਂਗੇ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਆਗ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਸੇ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਸੇ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ। Welcome back to the mega auditions of Hero Honda Saregama Pa Singing Superstar. Jaise jaise top 18 ki kursiyan bharti ja rahi hain, aane wale rising stars ke liye competition ka level aur bhi badhta ja raha hai. Mentors aur expert panel ki umeedon par bahut sare rising stars khare nahi utar paaye. Chehron par tension saaf dikhai de rahi hai. Aise mein bari aayi hai hamare agle batch ki. Feeling very fortunate ki actually जो जो लोग ऑडिशन से खड़े रह के आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मैं सिलेक्ट हुई हूँ तो इसलिए मुझे बहुत ग्रेट फील होता है, फ़ख्र महसूस होता है, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू गो इन सेवन सिंग। हाय अभिलाषा। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। You're looking very pretty today. Thank you, sir. Thank you. All prepared? Yeah. Okay. Chalo. Doston se jhooti mooti dusron ka naam leke phir meri baatein karna, yaara raat se din karna, kab ye puri hogi dur ye duri hogi, kab ye puri hogi dur ye duri hogi, roz safar karna yaara raat se din karna, chupke se raat ki chadar tale, chaand ki bhi aahat na ho badal ke piche chale, jale patra patra gale patra patra, raat bina hi le aadi aadi, raat bina hi aadi aadi, chupke se lag ja gale raat ki chadar, ਬਾਦਲ ਕੇ ਪੀਛੇ ਚਲੇ।
क्या बात है अभिलाषा, आपकी आवाज ऐसी है कि पूरी दुनिया में रोशन होगी. आई थिंक सारेगामा पा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसे आप जैसे कंटेस्टेंट आते हैं. थैंक यू सो मच. परफॉर्मेंस कैन बी हियर एंड देयर बट इट्स ओके. आई एम श्योर दैट यू आर गोना रॉक द नेशन. थैंक यू सर. थैंक यू. Can we have the next contestant, please? Oh, Tejinder. आज तो बड़ा सोना लग रहा है. कितना भाई? सर आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि आपको शिकायत थी पगड़ी की. हाँ, तो इस बार मैं प्रॉपर अपनी पगड़ी का मान रख के. बस बस सिंह सोने ही पग नाल लगदे ने. तो बड़ा ही सोना लग रहा है तू आज. हाँ बहुत सोना लग रहा है. थैंक यू जी. चलिए. तू तो जाने ना मैंने की तेरी बंदगी. तू सनम है दो खुदा है माहिया. मेरी आंखों में तेरा जलवा है प्यार तुझको किया. मुझे भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं. जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला. बहुत अच्छा गाया बट देन आई फील के कहीं ना कहीं आप काफी ड्रॉप हो रहे थे. मुझे यार आपकी आवाज बहुत पसंद है. बहुत अच्छी और ब्राइट आवाज है. थैंक यू. बोल्ड आवाज है. आई थिंक दैट्स वन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. तरुणम, आई जेन्युइनली बिलीव दैट यू आर अ वेरी वेरी गुड सिंगर. ओके. थैंक यू सो मच. बट आई जेन्युइनली डिसलाइक इट. ये जो मर्दों का औरतों जैसे गाना जी, जी, और जी, औरतों जी. का मर्दों जैसे गाना मेरे को जमता नहीं है. आई डोंट नो. आई नेवर गेट इट. इट्स ऑलवेज सीम्स वेरी गिमिकी और थोड़ा सा मतलब सर्कस टाइप लगता है मुझे. जस्ट सिंग. जो आपकी आवाज है आप उसे पूरी तरह डेवलप करके उसका हुनर दिखाइए. जब भी आप शुरू करें गाना तो बाकायदा उसमें यू नो इंटेंसिटी राइट होनी चाहिए. आवाज बहुत अच्छी है लेकिन शब्दों की क्लियरिटी नहीं थी. तो आपसे बहुत गुजारिश है कि जो नेक्स्ट लाइन में लगे हैं गाने के लिए पार्टिसिपेट हैं उनको भेज दीजिए. ऋषि मैं बोलने नहीं दूंगा ना वाजिद भाई को ना साजिद भाई को. ओके मैं किसी को भी नहीं. मेंटर्स और एक्सपर्ट पैनल की उम्मीदों पर बहुत सारे राइजिंग स्टार्स खरे नहीं उतर पाए. कोई भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता. चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है. मैं रियली काफी कॉन्शियस हूँ. थोड़ा बहुत लग रहा है कि क्या होगा. बहुत कंपटीशन है यहाँ पे. सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं. डर भी लग रहा है थोड़ा सा. तू ही रे से जीऊं. आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. जान रे इन सांसों में बस जा तो. चांद रे आजा दिल की जमीन. ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है. ये महबूब साहब ये मेरा ये ऐसा गाना है जो मैंने इतनी बार सुना है और स्टेज पे पहली बार मैंने ये गाना परफॉर्म किया था. जो सारे गांवों पर 97-98 में मैंने यही गाना गाया था. आपका गाना. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू. या फिर ऐसा कर धरती से मुझको. तू ही रे
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आ जा रे इन सांसों में बस जा तू। थैंक यू चांद रे, आ जा दिल की जमीन पे तो चाहत है। अगर मेरे लिए बड़ी फखर की बात है कि शेखर ने मुझे इज्जत दी, आई एम रियली ऑनर्ड। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हाजिर हो। शीशा टूटे ते तड़ तड़ हो वे, ते पत्थर टूटे अगला तारा टूटे, आसमान दी हिक जो इक जख्म जिहा कर जा हो। पर ये चंद्रात जद भी टूटिया होए दे टुटे आया वाज ना आया। ओए ओ ओ ओ ओए ओ ओ ओ ओए ओ ओ ओ ओए ओ ओ ओ प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोनो दिल जानी मंगना जरूरे। हाल ना जाने मेरा दुनिया नी मानी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूरे। तेरे पीछे मैनू ए सारी है आती भी थोड़ी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी है, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी। मैनू कोई नी परवाह, हुण कर लै जो भी हो सकता, मैं पढ़ ली तेरी बां। तू इत्थों हिलना कोई ना, तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना, सुन कुड़िए मेरे हाण दी, मेरे वर्गा मिलना कोई ना। तेरे पीछे मैनू ए सारी है आती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। क्या बात है, थैंक यू सर। आपने भी कमाल बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सर। और बस ये कि जो अंतरे में आप थोड़ा सडनली चाशनी खोलने लग जाते हैं। नहीं सर, भूल गया था थोड़ा सा बीच। बात तो सुर और लय की है और उसके बाद बोलों की, ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक सिंगर होता है। तो आगे से आप कोशिश करें कि जो बोल हैं उनको पूरा अच्छी तरह निभाने की। ठीक है। और मैं बहुत खुश हुआ हूं और जिंदा रहे यार। थैंक यू सर, बहुत खुश रहे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सभी जानते कि मैं सीखी हुई नहीं हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और पूरे दिल से गाऊँगी। जिस तरह वो कहते कि आप में एक सच्ची बात है, आप रूह से गाती हो, बस वही मैं करने जा रहा हूँ। लाल मेरी हो, हो लाल मेरी, रखियो बला झूलला लण के सिंदड़ीड़ा, ओ सहवड़ीड़ा सिंदड़ीड़ा सहवड़ीड़ा। सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम देजंदर, अली दा पहला नंबर, कवानी लाल कलंदर, कलंदर साफ कलंदर। झनन झनन कीड़ा नौबत बार, झनन झनन कीड़ा, झनन झनन कीड़ा, झनन झनन कीड़ा नौ
पटु बहुत नाल बजे घड़ी आल बला झूले लाल ओ नाल बजे शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर लाल अलीदा पहला नंबर क्या बात है बेशक अलीदा पहला नंबर क्या बात यार मजा आ गया मुझे तो बहुत मजा आया भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाए आपके सुर भी बहुत अच्छे लगे क्या है ये गाने ही कुछ ऐसे ही कॉम्पोजिशन है और इसकी टेम्पो ही ऐसी है कि इसको मेरे ख्याल से माफी चाहूंगा कोई भी गाए तो शायद ये अपना रंग पकड़ लेगा ये चीज के अंदर जो जो जुनून होना चाहिए वो जुनून तेरे अंदर मेरे को जुनून से ज्यादा है ना वो गिमिक नजर आ रही थी थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा था यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन यू नो वो अंदरूनी नहीं था अकेलापन नहीं था तो जो पिछली बार था जो पहली बार हमने आपको देखा था आज मुझे भी वो कमी लगी मुझे ऐसा लगा कि एक रेपिटेशन हो रही है ऐसे परफॉर्मेंस में रेपिटेटिव और ये सब नहीं होता आई कैन सेंस द वे यू वर गोइंग यू वर जस्ट सिंगिंग और अब बारी है इस बैच के रिजल्ट की वी आर वेरी सॉरी कि ये साल आपको थैंक यू आज आप हमारे सिंगिंग सुपरस्टार 18 में नहीं है तो सॉरी फॉर दिस वी ऑल फील कि ये साल आपके लिए ठीक नहीं है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा ध्यान दीजिए और नेक्स्ट ईयर हमारी फिर मुलाकात होगी थैंक यू सारे गांव में मैं आया टॉप 54 तक आया मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ इस चीज़ के लिए ये मेरे लिए एक बहुत मॉरल बनेगा मैं सबक लूँगी इस चीज़ से इस हार से कि मुझे और कितना आगे जाना है पिछली बार आपकी परफॉर्मेंस एक नायाब चीज़ थी एक नई चीज़ थी हम देख के मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे सब लोग यू नो आपके साथ में उठ के गा रहे थे आज ऐसा लगा कि उसी को रिपीट करने की कोशिश हो रही है मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुरों ने आपका साथ नहीं दिया तो आज आप हमारे फाइनल 18 में नहीं है लेकिन आप ये जुनून को मत खोइएगा प्लीज ये आप बहुत अच्छा काम कर रही है थैंक यू वेरी मच टूटी नहीं है उम्मीद और अभी है मंजिल खुद का अगर मैं सुर अपने ठीक कराती मतलब अगर मैं अच्छा और ज़्यादा रियाज करती तो शायद मैं टॉप 18 में होती पर कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर थैंक यू हम बहुत खुश हैं कि आप सारेगामा सिंगिंग सुपरस्टार के टॉप 18 में हैं आप यहाँ आके मेडल लेंगी कि मैं वहाँ आके मेडल दूँ आपको जो आपकी मर्जी वेलकम बैक टू हीरो होंडा सारेगामा पा सिंगिंग सुपरस्टार और अब बारी आई है हमारे अगले बैच से अनोखे अंदाज में गाने वाले मुंबई के शांतनु की आ
जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन तेरे से ये नैना दिल से न जाती है यादें तुम्हारी कैसे तुम बिन जीना आँखों में तो है आंसू में तो है आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है सांसों में तू ख्वाबों में तू राजा अरे आगे का नहीं गाएगा वो सर वो संजय जी ने सिखाया था इधर तक ही संजय जी ने क्या कहा था बोला था कि रोजा में एंड करो तो पब्लिक पागल हो जाएगी जिस फीलिंग से आप गाते हो ना वाकई रोजा रोने को दिल करता है एकदम ऐसा मतलब ऐसा दिल को नहीं छूता पर पास से ऐसा गुजरते हो मजा आ जाता है एकदम एक बात कहना बहुत जरूरी है आज बात जमी नहीं लेकिन आपने किसी की नकल नहीं की आप अपने तरीके से गाया हाँ, ये भी बड़ी बात थैंक यू सर कैन वी हैव वेलकम बैक टू द मेगा ऑडिशन ऑफ हीरो होंडा सारेगामा पा सिंगिंग सुपरस्टार टॉप 18 में 14 सिंगिंग स्टार्स अपनी जगह बना चुके हैं और अब देखते हैं कौन होंगे वो बाकी चार जिनके नाम के आगे जुड़ेगा सिंगिंग स्टार 54 कंटेस्टेंट्स और 18 जो सिलेक्ट होंगे उसके बीच फासला ऑब्वियसली कम होता जा रहा है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं टॉप 18 में आऊँगी पर बॉम्बे में आकर टोटल माहौल चेंज हो गया है मेरा क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्शन लेके आया था कि यहाँ पर मॉनिटर बॉक्स होगा लेकिन यहाँ पर हेडफोन में गाना पड़ेगा ये सोच रहा हूँ कब जाके वहाँ पर उगलना है मेरे को ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਵਾਹ 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 ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਕੁੜੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਕਹਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਟਾਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੁਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦੀ ਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੱਪੇ ਕੋ ਚੂਨਾ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਯ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ये सारा सारे गामा पा को जाता है बिल्कुल सारे गामा क्योंकि ये सारे गामा पा ऐसा एक ऐसा मंच है ऐसी स्टेज है कि जिसके साथ जुड़ के मुझे भी बहुत बहुत अपने आप को बहुत फख्र और बहुत इज्जत महसूस होती कि मैं भी इसका पार्ट हूँ ओके सोनी है रब रखा चक दे फटे थैंक यू दुनिया भर से चुने गए 51 राइजिंग स्टार्स में से एक हैं दिल्ली के फरीद लेकिन अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो मेगा ऑडिशंस के लिए नहीं आ पाए पिछले 4-5 दिन से 104 बुखार है और मुझे टाइफाइड हो गया फिलहाल मेंटर्स के सामने आने की बारी है गुवाहाटी के अंशुमन की
कर्ज है फिसला है फिर हाथ से कल उसका रहा अब है तेरा इस रात से ओ मेरी जा ओ मेरी जा ओ मेरी जा तू आ गया नजर में जैसे खुदा यूं पहर में मदहोशी यूं ही नहीं दिल पे छाई नियत मिली अंगराई जुआ तूने कुछ इस तरह बदली फिजा बदला समा ओ मेरी जा ओ मेरी जा ओ मेरी जा क्या यार कमाल करते हो यार थैंक यू सर आपने जो गाना गाया मैं आपके साथ गा रही थी क्योंकि आई लव दिस सॉन्ग बट देर इज वन सॉन्ग विच आई रियली रियली लव जो मेरा जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ मैं बेकार से बेकार मूड में होती हूँ पर मेरा मूड ठीक हो जाता है आई थिंक वो मेरे दोस्त यहाँ पे विशाल शेखर बैठे हैं उनका गाना है एंड शेखर स्मॉल रिक्वेस्ट दो तीन लाइन उस गाने का गा लो प्लीज खुदा जाने सजदे में यूं ही रुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमसे क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ Come on, guys, sing it. खुदा जाने के मैं फिदा हूँ Thank you, Anshuman. Thank you. Thank you, sir. Next, please. Sab se divana hua, sab se bekana hua, Rab bhi divana lage re. आप बीच में गाती हैं तो बीच में कहाँ चली जाती हैं बीच बीच आवाज कुछ क्या वो क्या समझ नहीं आया सर मैं कोशिश कर रही हूँ बट मैं पता नहीं क्यों सांस से वो अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है बट स्टिल कोई बात नहीं चलो तुमको लेकर चले हम फिजाओं में आपके सुर बहुत अच्छे लगे बहुत मीठे लगे थैंक यू सर थैंक यू चांद मेरा दिल
चांदनी हो तुम चांद से है दूर चांदनी कहाँ लौट के आना है यही तुमको जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान जाओ मेरी जान तेरे बिन सनम क्या खुशी कैसे गम ना हुआ मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया हंगामा हो गया हंगामा हो गया मुझे यार ने बिराई तो हंगामा हो गया हंगामा हो गया उनको तो आप कुछ नहीं कहते मगर मगर मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया बहुत अच्छे बहुत अच्छे थैंक यू सर गॉड ब्लेस यू बहुत अच्छे थैंक्स और अब बारी है इस बैच के रिजल्ट की किसे मिलेगा मौका टॉप 18 में शामिल होकर म्यूजिक के महामंच तक पहुंचने का आज हम आपसे माफी चाहते हैं और रब रखा अगली बार फिर सही आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि आप सारेगामा सुपर सिंगर टॉप 18 में नहीं है हिम्मत टूटी नहीं है उम्मीदें और अभी है मंजिल खुद कल हमें पहचाने दी मैं डिजर्व करती थी कि हाँ मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर फिर आऊंगा सारेगामा पा नेक्स्ट ईयर आपको क्या लगता है आपके परफॉर्मेंस के बारे में आज मुझे खुद को इतना पसंद नहीं आया मेरा परफॉर्मेंस एक्चुअली स्पीकिंग नहीं एक्चुअली हम लोग भी वही बोल रहे थे कि हमको आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा हम सबकी राय जो है ये है कि आप जा सकती हैं सॉरी थैंक यू सर थैंक यू मधुरा 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 आई गॉट इट फाइनली प्रीतम श्रेयसी
इस कॉन्टेस्ट में टॉप 18 का जो फैसला हो रहा है उसमें 17 जगहें जो है वो भर चुकी हैं, एक जगह बाकी है और आप दो आखिरी कंटेस्टेंट्स हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये मेडल है वो एक आखिरी मेडल हमारे पास है। आप दोनों इस चौखट पे खड़े हैं और सिर्फ एक आगे जा सकता है। मेरे हिसाब से मेडल वहां तक ले जाया जाए। हमारे हिसाब से बात यहां तक आई है, अब और टेंशन नहीं देते इनको। साफ मामला ये है, श्रेयसी गाने में आगे थी, श्रेयसी को मेडल मिलना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस। सिंगर्स मिल चुके हैं जो सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार कॉन्टेस्ट के फाइनल्स में आ गए हैं और इनमें से चुना जाएगा सारेगामापा का सिंगिंग सुपरस्टार, इंडिया का नंबर वन सिंगर। लेट्स कॉल द 18 एंड लेट्स रॉक दिस पार्टी। चेक कमेंट्स।